चुनावी साल में सियासत चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप जारी है और इंदौर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खुद को हटाने वाली खबरों पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश बीजेपी में किसी को पता नहीं होता कि कब किसे क्या जिम्मेदारी मिल जाए, कब कौन हट जाए। दिग्विजय सिंह के एमपी में दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि वे तो चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा दौरा करें, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी अपने काम पर विश्वास करती है। उन्होंने दिग्विजय को मिस्टर बंटाधार बताया तो कमलनाथ को सबसे बड़ा कमीशनखोर बता दिया। कांग्रेस सरकार में वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कार्यकर्ता को जो काम दिया जाता है वो करता है। न मुझे ये पता था कि मुझे बनाया जा रहा है। जब मुझे बनाया गया मैंने काम शुरू किया और अगर हमारे नेतृत्व को जब ये लगता है कि आपको ये काम देना है, यहाँ भाजपा में किसी को पता नहीं होता कौन सा काम किसको मिल जाता है कब किसको नहीं मिलता है। दिग्विजय सिंह या ये लोग और घूमे अच्छी बात है, मैं तो ऐसा मानता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश विकास के मुद्दे पर, विकास हमारा सबसे बड़ा मॉडल है। ये झूठ छल कपट की राजनीति करने वालों से काम नहीं चलेगा। हम विकास के आधार पर, जनता हम पर विश्वास करती है, हम उसके आधार पर जाएंगे। और जो मैंने कहा माननीय मोदी जी और हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने जो काम किए, इन काम की ताकत के आधार पर जाएंगे। हमें किसी की चिंता नहीं। अगर कमीशन खोर कोई व्यक्ति इस मध्य प्रदेश के अंदर था और है गौरव जी, तो श्रीमान कमलनाथ जी है, श्रीमान दिग्विजय सिंह है। मैं पूछना चाहता हूं वल्लभ भवन को अड्डा दलाली का किसने बनाया था? ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड पैसा किसके पास पकड़ा गया था? किसके पास पकड़ा गया था बताइए गौरव जी, आप तो पत्रकार हैं। श्रीमान कमलनाथ जी आपके पास पकड़ा गया, आपके सिपह सालार जो आपको दिन भर वो इमरती देवी जी तुलसी भाई जानते हैं, वो कहती थी कि इनका वो कौन पिघलानी और कौन क्या है, वो एक ही काम करता है कि बोरियां भरता है वल्लभ भवन में, लाओ डालो लाओ डालो। ये दलाली का अड्डा बनाने का काम कमलनाथ जी आपने किया था एक बार। और जहां तक आपने कहा इन मुद्दों को, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, कोई ऐसी चीजें होती है उनमें कोई चीज प्रभावित हुई है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर संवेदनशील है। ऐसी कोई भी चीज होगी उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोड़ दिया ना छोड़ेगी। और वीडी शर्मा के कमलनाथ को कमीशन खोर बताने पर कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने पलटवार किया। जेपी धनोपिया ने कहा कमीशन खोरी की जानकारी बीजेपी नेताओं को होगी जिन्होंने कमीशन लिया है। वहीं कांग्रेस को डूबता जहाज बताने पर जेपी धनोपिया ने कहा कि बीजेपी की अब चला चली की बेला है। फायदा किसके उससे होता है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वीडी शर्मा अपने आप को संभालेगा, वो कहां खड़े हुए, उनकी खुद की हालत कितनी खराब है। चार दिन पहले से उनका ब्लॉग चलना शुरू हुआ था, उनके बारे में पता नहीं कहां फोटो और क्या क्या चीज छपी थी, वो सबसे बचने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वास्तविकता ये कि मध्य प्रदेश में चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों चला चलेगी बेला में और चार महीने बाद तो फिर सरकारी चला चलेगी बेला में रहेगी। चुनाव से पहले बीजेपी अब अपने नेताओं की नाराजगी को दूर करने की कोशिश में जुट गई है। नाराज चल रहे नेताओं से पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व चर्चा करके समन्वय बैठक कर रहा है और यहां पिछले दिनों कई नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर मीडिया में जो बयान दिए थे उसके बाद पार्टी को नुकसान हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि पार्टी में हमेशा आपसी समन्वय की बात होती है, कोई नाराजगी जैसी कोई बात है नहीं। वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है और लगातार बैठकें की जा रही हैं, चुनाव में डैमेज कंट्रोल काम नहीं आ रहा। स्पष्ट है कि कुछ लोग टूलकिट एजेंडा चलाने का काम करते हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस इसमें माहिर है और सिरपुटवल की स्थिति कांग्रेस के अंदर है। आप देखिए कि अरुण यादव जी को शहीद करने के लिए बुंदेलखंड भेज दिया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक विधायक भी हैं और जहां से मंत्री भी आते हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जहां जहां जा रहे हैं वो टिकट वितरण करके आ रहे हैं, ऐसी चार सीटें तो सामने आ चुकी हैं। सज्जन सिंह निकले थे तो वो वहां पर पुण्यतिथि के कार्यक्रम में टिकट वितरण करके आ गए हैं। राहुल गांधी जी से जब कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री होने का प्रोजेक्ट करने का प्रश्न पूछा गया तो राहुल गांधी जवाब नहीं दे पाए, तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि सिरफुटबल किस ओर है और किस तरफ सामंजस्य से काम चल रहा है। सबसे पहले तो बात स्पष्ट है, कई बार साबित हो चुकी है कि शिवराज
शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, भाजपा तीन गुटों में काफी पहले से ही बढ़ चुकी है। वही कारण है कि केपी यादव एक बार नहीं, बार बार सवाल खड़े करते हैं भाजपा के नेतृत्व पर, उसके संगठन पर। मतलब आप देखें, वो ज्योतिराज सिंधिया को मूर्ख तक बोल चुके हैं, कैलाश विजयवर्ग जी के बयान, दीपक जोशी जैसे नेता जिनके पिता ने इस पार्टी को पोषित किया वो पार्टी को छोड़ चुके, उमा भारती जी के बयान और कटनी के विधायकों के बयान देख लें, कई सारी ऐसी बातें, अनूप मिश्रा बार बार नाराजगी व्यक्त करते हैं, ये बात साबित करता है कि भाजपा में गहरी नाराजगी है और गहरा गतिरोध है। और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के मुख्यमंत्री फेस को लेकर दिए गए बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ खुद को भावी सीएम कहते हैं और कोई नहीं कहता, न उनकी सरकार आने वाली है, न वे सीएम बनने वाले हैं। देखिए, कमलनाथ जी अपने आप को स्वयं हुई भावी सीएम कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहता है। और जो बात राहुल गांधी जी ने दो दिन पहले बंद कमरे में कही थी, गोविंद सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से कह दी। इतना सा अंतर है कि जो बात दिग्विजय सिंह जी नहीं बोल पा रहे वो उन्होंने गोविंद सिंह जी से बुलवा दिए। ये उनकी गुटबाजी है। कमलनाथ जी को छोड़कर बाकी सबको पता है कि वो भावी सीएम नहीं है, न उनकी सरकार आने वाली है और न वो सीएम बनने वाले हैं। अब यह कारण को चर्चा गोविंद सिंह नहीं चाहते हैं, इसलिए उनने इसको विराम दे दिया। एक बहुत अनुभवी नेता हैं गोविंद सिंह जी, सबसे सीनियर कांग्रेस के विधायक हैं, संसदीय ज्ञाता भी हैं, और इसलिए वो जानते हैं कि विधायक ही। तो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि खुद को ही सीएम बनाते हैं, कहते हैं, मानते हैं, जबकि और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कहता। और जो बात राहुल गांधी ने बंद कमरे में कही वही बात गोविंद सिंह ने सार्वजनिक रूप से कह दी। और अब देखिए इलेक्शन टॉप 10। ग्वालियर में बीजेपी नेता सदस्य सत्येंद्र गुर्जर ने दिया इस्तीफा, पार्टी पर नजरअंदाज करने का लगा आरोप। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ को बताया कमीशन खोर, दिग्विजय सिंह और के एमपी दौरे पर बोले बीजेपी को मिलेगा फायदा। कमलनाथ को कमीशन खोर बताने वाले बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार, वीडी शर्मा पर जेपी धनोपिया का बयान, कहा बीजेपी की है चलाचली की बेला। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के मुख्यमंत्री फेस को लेकर दिए गए बयान पर नरोत्तम मिश्रा का तंज, कहा जो दिग्विजय सिंह नहीं बोल पाए गोविंद सिंह ने कह दिया। महाकाल लोक में सप्तऋषियों की मूर्ति गिरने पर सियासत, दिग्विजय सिंह ने कहा ठेकेदार की होनी चाहिए जांच। महाकाल लोक को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, सरकार किसी भी तरह की जांच कराने को तैयार। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में जनता के बीच नेता, कोरबा में राजस्व मंत्री जय सिंह कर रहे दौरा। अंबिकापुर में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। जगदलपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। रीवा के पूर्व सांसद बुड्डा सेन पटेल बीआरएस में शामिल, पार्टी अध्यक्ष के सीआर ने दिलाई सदस्यता। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।